आपको समझ आता है कि लोग अलग अलग मजहब के हैं और हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपका और अहमद का मुझे बुलाने के लिए, मुझे और आप सब लोगों का कि आपने अपना टाइम निकाला है मुझसे बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। और मुझे लम्स यूनिवर्सिटी में बहुत मुझे अच्छी लगती है यूनिवर्सिटी, लेकिन मुझे वहाँ से कभी कभार निकलना भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक जगह जब आप रहते हैं तो आप उस जगह से तंग आ जाते हैं। और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मेरे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, लेकिन आपकी जो एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है कि आपके अंदर उनसे भी ज़्यादा पोटेंशियल है, आप उनसे भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आपके माइंड अभी तक 100% बने नहीं, आप बना रहे हैं, तो आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है। तो मुझे भी लगता है कि अगर हम बात करेंगे एक दूसरे से तो मैं भी आपसे सीख सकती हूँ और आप लोग शायद मुझसे भी थोड़ा कुछ सीख भी सकते हैं। तो जिस तरह से आपको बताया, मेरा नाम डॉक्टर निदा किरमानी है। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ और जो भी मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, तजुर्बात हैं, उनसे भी अगर उसके बारे में भी आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप पूछें। मैं अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुई थी बहुत पहले, मैं आपको साल नहीं बताऊंगी कब, लेकिन काफ़ी अरसे पहले। और वहाँ मैंने सारी अपनी स्कूलिंग वहीं से की, शुरू से लेके यूनिवर्सिटी भी, मतलब मैंने वहीं से की। तो मैं एक स्टेट में रहती थी, उसका नाम स्टेट का नाम था टेनेसी, जिस तरह से यहाँ स्टेट्स हैं ना, पंजाब, सिंध, केपी के, बलूचिस्तान, वहाँ भी 50 स्टेट्स हैं। तो उन स्टेट्स में मेरी जो स्टेट थी उसका नाम था टेनेसी, और वहाँ ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन मज़हब के थे, और हम लोग मुसलमान थे और हैं, तो हम एक माइनॉरिटी में थे, हम अक्लियत में थे। तो और ज़्यादातर लोग मतलब गोरे थे, बहुत कम कुछ ब्लैक स्टूडेंट्स भी थे, कुछ अफ्रीकन अमेरिकन जो हम कहते हैं वो भी थे, कुछ स्पेनिश स्पीकिंग भी थे जो हिस्पैनिक कहते हैं या लैटिनो कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर गोरे थे और बहुत कम इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स थे, मैं ही एक थी। तो लोगों को समझ नहीं आता था कि मैं क्या हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ। लोग मुझसे पूछते थे आप चर्च क्यों नहीं जाती हैं, तो फिर मैं बताती थी हम लोग चर्च नहीं जाते हैं, हम मस्जिद शायद नहीं थी वहाँ, हम लोग घर पे ही पढ़ते थे, अम्मा मुझे सिखाती थी कुरान शरीफ। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि मैं अक़लियत में रहती थी तो वो भी एक अच्छा आपके लिए एक पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि फिर आपको समझ आता है कि लोग अलग अलग मज़हब के हैं और हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन्होंने शुक्र है मेरी रिस्पेक्ट की, लेकिन वो बार बार कहते थे आपको चर्च आना चाहिए, तो मैं चली भी जाती थी कि मैं देखूँ यहाँ क्या बात हो रही है, और मैं उनसे सीखती थी, वो मुझसे सीखते थे। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे अम्मी अब्बू दोनों इंडिया में पैदा हुए थे, इंडिया में एक शहर है लखनऊ, तो लखनऊ में वो पैदा हुए थे जब पाकिस्तान और इंडिया बना नहीं था, मतलब जब पाकिस्तान इंडिया एक था, और जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो मेरे अब्बू की जो फैमिली है वो कराची शिफ्ट हो गए। तो मेरे अब्बू कराची में, उनकी मतलब पूरी परवरिश वहीं हुई थी, स्कूलिंग वहीं हुई, और कराची के बाद वो अमेरिका चले गए पढ़ने, और अमेरिका में उन्होंने जॉब शुरू की। मेरी अम्मी इंडिया में रही, मतलब अम्मी और अब्बू, जाहिर सी बात है जब पैदा हुए थे तो एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो अम्मी इंडिया में थी, लखनऊ में थी, इंडिया में उनकी सारी स्कूलिंग हुई। और इंडिया के बाद जब वो उनका टाइम आया शादी करने का, तो उन्होंने फ़ोन के ज़रिए अब्बू से निकाह किया, उन्होंने कभी वो मिले नहीं थे उससे पहले, फ़ोन पे उनका निकाह हुआ, वो हवाई जहाज़ में बैठी और वो अमेरिका चली गई, और फिर मैं और मेरी बहन वहाँ पैदा हुए थे। तो ये भी एक मेरे लिए एक अच्छी, मुझे लगता है, चीज़ है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों का मेरे अंदर कनेक्शन है, एक्सपीरियंस है, और मुझे दोनों मुल्कों से मतलब एक लगाव है जो अभी तक मेरे अंदर है। तो यहाँ लोगों को शायद वो अजीब लगता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो हुकूमतें हैं, वो शायद चाहते हैं कि हम अलग रहें और हम एक दूसरे से बात नहीं करें, हम नफ़रत करें एक दूसरे से, क्योंकि उनको शायद फ़ायदा है उस नफ़रत से।
लेकिन क्योंकि मैं इंडिया में, मेरे फैमिली भी हैं, दोस्त भी, मैं रही भी हूँ वहाँ, तो मेरे अंदर एक लगाव है इंडिया के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी है। तो यूनिवर्सिटी जब मैंने कंप्लीट की तो मैं इंडिया गई। वहाँ मैंने एक साल एक एनजीओ के साथ काम किया जो इंसानी हकूक़ पे काम करते हैं। मुझे बचपन से इंसानी हकूक़, ह्यूमन राइट्स जो कहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और मेरा ये ख्याल था और अभी भी है कि सारे इंसान बराबर हैं और हम बराबरी किस तरह से लेके आ सकते हैं। तो मुझे एक रास्ता नज़र आया कि अगर हम इंसानी हकूक़ को प्रमोट करें कि सब हर इंसान का बराबर हकूक़ होता है, चाहे वो एजुकेशन का राइट हो, पढ़ने लिखने का और खाने पीने का, साफ़ हवा होनी चाहिए, साफ़ पानी होना चाहिए, सबको एक इज़्ज़त के साथ अगर काम करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, या इवन जो लोग जॉब नहीं कर रही या घर पे काम कर रही हैं उनकी भी इज़्ज़त है, तो सबकी इज़्ज़त है, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, मतलब ब्लैक हो, वाइट हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। ये शुक्र है मेरे अंदर, शायद स्कूलिंग की वजह से ये चीज़ मेरे अंदर पैदा हुई थी, शायद फैमिली की वजह से, पता नहीं क्यों ये चीज़ हमेशा से मुझे ये फीलिंग थी। तो मैं इसलिए, मुझे लगा कि मैं इंसानी हकूक़ के लिए काम करूँगी, इंडिया गई, वहाँ मैंने एक साल काम किया। फिर इंडिया से मुझे बहुत और भी मुझे लगाव हुआ इंडिया के साथ। मैं दिल्ली में रहती थी, वापस अमेरिका गई और फिर मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए और, तो मैं फिर इंग्लैंड गई। इंग्लैंड से मैंने फिर एमए किया एक डेवलपमेंट स्टडीज़ पे। वो मैं देखना चाह रही थी कि दुनिया में बराबरी क्यों नहीं है और किस तरह से आ सकती है, ठीक है। तो वो मैंने एक साल मैंने अपना एमए कंप्लीट किया, लेकिन मैं जितना मैं पढ़ रही थी उतना मुझे पढ़ने का शौक़ पैदा हो रहा था, तो मुझे लगा कि अब मुझे एमए के बाद भी शायद मैं और पढ़ूँ। तो फिर मैंने पीएचडी में दाखिला लिया, तो मैंने पीएचडी सोशियोलॉजी में की। सोशियोलॉजी किसी को पता है क्या है? सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं उर्दू में उसको? इमरानियात कहते हैं। सोशियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम, किसी को पता है? मुझे पता है स्कूल में शायद सोशियोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती है जी, वो जब हम फर्स्ट ईयर में जाते हैं। सोशल स्टडीज में शायद होता है या नहीं? नहीं, फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो फिर ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है। अच्छा। मैट्रिक तक जो टेक्स्ट बोर्ड है उसमें ये सब्जेक्ट नहीं रहता। अच्छा, तो सोशियोलॉजी। अच्छा, आप बताइए जी। बिल्कुल, तो सोशियोलॉजी, थैंक यू। इंग्लिश में उसको कहते हैं द साइंस ऑफ स्टडीइंग सोसाइटी, मतलब सोसाइटी को भी एक साइंस के तौर पर हम स्टडी कर सकते हैं, जिस तरह से हम पौधों को स्टडी कर सकते हैं या जानवरों को स्टडी करते हैं या स्पेस को स्टडी करते हैं। हम सोसाइटी, माशरे को भी इसी तरह से स्टडी कर सकते हैं, और जितना हम उसको स्टडी करेंगे, जितना हम उस पर एनालाइज करेंगे, जितना हम उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, उतने ही हम जो भी मसले सोसाइटी में हैं, जो भी मसले हमें माशरे में नज़र आ रहे हैं, चाहे वो गुर्बत हो, चाहे वो वायलेंस हो, तशद्दुद हो, चाहे वो औरत और मर्द के दरमियान जो बराबरी हमें नहीं नज़र आ रही है, उन चीज़ों पहले हम सोचें कि ये चीज़ क्यों है। ये पहला कदम है ना। फिर हम जब समझेंगे कि ये चीज़ क्यों है, इसकी जड़ कहाँ से शुरू होती है, फिर हम उस मसले का हल भी ढूंढ सकते हैं। तो जिस तरह से डॉक्टर एक बीमारी को डायग्नोस नहीं करता है या करती है, तो डॉक्टर जब डायग्नोसिस करती है तो देखती है कि अच्छा बॉडी में क्या है, आपकी कहाँ तकलीफ़ है, उसका वो रूट कॉज ढूंढने की कोशिश करती है ना। तो सोशियोलॉजिस्ट भी एक रूट कॉज ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये जो मसले हैं, जो मसाइल हैं, इतने सारे जो हमें नज़र आ रहे हैं, उनका हल हमें कहाँ से मिलेगा। तो जब तक हम सोसाइटी को स्टडी नहीं करेंगे तो हम मसलों का हल भी नहीं निकाल पाएंगे। तो मुझे इसलिए इस फील्ड में इंटरेस्ट हुआ, दिलचस्पी हुई, तो फिर मैंने अपनी पीएचडी उस टॉपिक पे की थी, उस डिसिप्लिन में किया या उस सब्जेक्ट में किया। सोशियोलॉजी मैंने दोबारा में इंडिया गई, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इंडिया से एक कनेक्शन पैदा हो गया था, मेरे दोस्त भी वहाँ थे, मेरी फैमिली भी वहाँ थी, मेरे कज़न्स भी वहाँ थे, उनके साथ भी मेरा कनेक्शन था, और अम्मी अबू मेरे उस वक्त अमेरिका में थे। तो मैंने कहा चलो इंडिया वापस चलते हैं, एक अच्छा बहाना है, वहाँ आप जाके रिसर्च करें। तो वहाँ मैंने एक मोहल्ला था आप ही के इलाके की तरह, उसका नाम था जाकिर नगर। जाकिर नगर में मैंने एक साल में रही थी, मैंने वहाँ एक छोटा सा अपार्टमेंट लिया था,
और फिर वहाँ मैं पूरे दिन लोगों से बातचीत करती थी और पूछती थी कि यहाँ क्या हो रहा है, आपके मसले क्या हैं, आपको क्या लगता है कि पहले कैसा था अब कैसा है। इंटरव्यूज़ में लेती थी उनके, फिर उसके बाद मैंने सारे जो इंटरव्यूज़ लिए उसके बाद मैंने फिर उनके बारे में सोचा, उनका एनालिसिस किया कि उसमें क्या मुझे क्या चीज़ें मिल रही हैं, कॉमन चीज़ें क्या हैं। फिर मैंने अपना PhD कंप्लीट किया, ठीक है, तो वो 2007। फिर उसके बाद मैंने इंग्लैंड में ही मुझे एक जॉब मिल गई एज अ रिसर्च फेलो, एक शहर का नाम था बर्मिंगहम, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगहम में मैंने 3 साल वहाँ जॉब किए। उस दौरान मेरे अम्मी अबू अमेरिका से शिफ्ट उठ के कराची शिफ्ट हो गए। तो फिर मैंने कहा जब मेरी 3 साल वहाँ जॉब कंप्लीट हो गई, मैंने कहा अब मैं इंग्लैंड में भी मेरा कोई नहीं है, अमेरिका भी मेरी फैमिली नहीं है, तो चलो पाकिस्तान चलते हैं। तो 2011 में मैंने लम्स में वहाँ एज अ प्रोफेसर जॉब शुरू की। तो फिर 2011 से मैं यहाँ अब तक हूँ, और टीचिंग उससे पहले मैंने कभी की नहीं, और अब मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ और 10 साल 11 साल होने वाले हैं, तो उसमें भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत मुझे मज़ा आया, और मुझे एजुकेशन के साथ और भी इंटरेस्ट पैदा हुआ कि एजुकेशन मुझे लगता है कि जितना आप पढ़ेंगे उतनी आपके दिमाग खुलेंगे और उतना ही हमारा माशरा इंशाल्लाह ठीक होगा जब लोगों के दिमाग खुलेंगे। लम्स की एक अच्छी बात ये है जो मुझे लगता है आपके स्कूल में भी ये बात है कि हम स्टूडेंट्स को कहते हैं आप एक दूसरे के साथ इज्जत के साथ बातचीत करें, और अगर आप एक दूसरे के साथ अग्री नहीं करें, अगर आप सब मतलब आप इत्तेफाक नहीं करते हैं दूसरे की बात के साथ, तो कोई मसला नहीं है। आप अगर इस डिसएग्रीमेंट को भी आप एक रिस्पेक्टफुली इसके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, और हो सकता है आप एंड में भी डिसएग्री करें, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि इसी से आप सीखते हैं, इसी से आप ग्रो करते हैं, और इसी से आपके मसले भी हल होते हैं, और कभी ना कभी शायद आप एक पॉइंट पे आएंगे जहां आपकी एग्रीमेंट हो सकती है, जहां आपका सुलह हो सकता है, और उसी से एक अच्छा हल निकल सकता है ना, अगर सब एक पेज पे आ जाएं और अग्री करने लगें। क्योंकि मुझे अगर कोई बात अच्छी नहीं लग रही है और आपको बुरी आपको अच्छी लग रही है, तो आप मुझे बता सकती हैं कि अच्छा ये क्यों चीज़ अच्छी है, और फिर मैं आपसे सीख सकती हूँ, मैं अपना फिर नज़रिया आपके सामने रखूँ, फिर आपको भी शायद कुछ लगे, फिर हम एक दूसरे को उसी तरह से समझेंगे। तो क्लास में भी हम कोशिश करते हैं कि हम जो डिबेट है वो हम इनक्रेज करें, ये नहीं कि टीचर आपको कुछ बता रही हैं और आप बस आंखें बंद करके उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। ये हमारे यहाँ शायद आम जो स्कूल्स हैं उसमें आपको बताया जाता है जो टीचर है वो आपका बॉस है, और आप जो भी वो कहेंगी आपको सुनना है आंखें बंद करके, आप सवाल नहीं उठाएं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सवाल अगर आपके कोई भी जहन में हो आप उठाएं उस सवाल को, आप पूछें, आप उस चीज़ को क्लियर करें, और अगर आप मेरे साथ डिसएग्री कर रही हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे यहाँ जब डिसएग्रीमेंट होती है तो हम गुस्सा भी नहीं करते, हम तो वायलेंस के ऊपर उतर आते हैं, हम तो तशद्दुद करने हम मानने लगते दूसरे को, तो उस वजह से हम मसलों के हल भी हम उस तक पहुँच नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो बात पैदा ही नहीं करते हैं कि हम किस तरह से इज्जत के साथ दूसरे से बात करें और दूसरे की जो ओपिनियन है या दूसरे की सोच है हम समझने की कोशिश करें कम से कम। तो लम्स में ये अच्छी बात है जो मुझे लगता है आपकी स्कूल में भी आप लोग इस तरह का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इस तरह के माहौल में पढ़ रहे हैं जहाँ आप सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये कि लोग अब सवाल उनको इजाज़त ही नहीं है कि सवाल उठाएं, उनको नज़र आ रही हैं कि बहुत सारे मसले हैं उनकी लाइफ में भी, उनकी नौकरियां भी, उनको कम पैसे मिल रहे हैं, उनका पानी भी गंदा है, उनकी जो हवा भी है वो भी गंदी है, लेकिन आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, और जब तक आप सवाल नहीं उठाएंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगी कि ये क्यों है, और फिर आप उसका हल भी नहीं ढूँढ पाएंगे। तो मैं तो कहती हूँ आपसे जितने भी सवाल हैं आपके जहन में आप उठाएं, और जितने सवाल हों उतनी अच्छी बात है, जो क्वेश्चन करता है इंसान वही सीखता है, जो क्वेश्चन नहीं करता है वो फिर अंधा ही रहता है। तो जितना आप क्वेश्चन करेंगी उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, उतना ही अच्छा मेरे लिए भी होगा।